हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञान स्टॉक क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 का पहला, दूसरा, तीसरा बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं एक फैक्ट्स बताने देना चाह रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है साइन कॉस टैन कॉट से खसे, उसका एंगल के हिसाब से 0 to 90 डिग्री के हिसाब से इसमें एंगल दिया हुआ है हर जगह। ये देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री भी मिलेगा आपको। तो इसका क्या होता है, एक वैल्यू होती है, उसका चार्ट मैं इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद बताऊंगा। तो गाइस, लेकिन क्या है कि अभी आपको ये वैल्यू कितनी होती है ये मैं हर एक सवाल में बताने जा रहा हूँ, और उसी हिसाब से आपको पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करना है। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। साइंस निम्नलिखित के मान जाती है, साइंस 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइंस 30 इंटू कॉस 60। तो साइंस 60 की वैल्यू होती है, जो हम चार्ट आपको बताएंगे उसमें √3/2 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इस तरह से साइंस 30 की वैल्यू 1/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और इस तरह से गाइस ये होता है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके 3/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, और इस तरह से आपका 4/4 करके =1 ये वैल्यू हो जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60°। तो इसमें क्या करेंगे, 2 tan² यहाँ पे अलग रखेंगे, और 10 45° का ये होल स्क्वायर, इसका मतलब है cos स्क्वायर का मतलब इस पूरे डिग्री का ये होल स्क्वायर है, और sin 60 डिग्री का ये पूरा होल स्क्वायर है। अगर ऐसा कहीं दिया cos स्क्वायर को sec स्क्वायर tan स्क्वायर उसके साथ एंगल दिया हुआ हो तो उसको ब्रैकेट में करके पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, और वहाँ पे क्या करते हैं हम उस एंगल की वैल्यू पुट अप करेंगे, और वैल्यू पुट अप करके उसको स्क्वायर में फिर सॉल्व करके आगे डिराइव करते हुए चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ऐसे ही हमने किया है, 2 tan 45° प्लस cos 30° और माइनस sin 60°, इन सबका होल स्क्वायर कर देंगे। इस यहाँ भी होल स्क्वायर हो गया, यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर हो गया, सब बाकी सब वही है। 10 45° की वैल्यू होती है 1, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। cos 30° की होती है वैल्यू √3/2, और sin 60° की होती है √3/2, ये सबका होल स्क्वायर हमने कर दिया, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप करते हुए होल स्क्वायर से जो भी आया और इसको हमने सॉल्व कर दिया है, ये वैल्यू आपका 2 आंसर आ गया। अब इसी तरह से cos 45° / sec 30° प्लस cosec 30° में क्या करेंगे, cos 45° की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और sec 30° की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस, और ये cosec 30° की वैल्यू होगी +2। ये सारा का सारा आप टेंशन मत लीजिए, इसको क्या है कि हम जो चार्ट बनाएंगे उसमें सारा का सारा वैल्यू ये आएगा। ये एक्सरसाइज खाली पूरा होने दीजिए, इसके बाद से मैं उसे बताना शुरू करूंगा। तो 1/√2 ये हो गया, और 2/√3 प्लस 2, इसका क्या करेंगे, 2 + 2/√3/√3 ये यहाँ पे हो गया है, और गाइस √3/√2 × 2 + 2/√3, और गाइस इस तरह से हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2 + 2√6 × 2√2 − 2√6 का क्या करेंगे, ये प्लस है यहाँ पे, ऊपर नीचे माइनस का गुणा कर देंगे, ऐसा आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, और वही सिस्टम यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, और उसको क्या किया गया है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, और a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a² - b² करके यहाँ पे भी हमने सॉल्व कर दिया, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी।